शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। महेंद्र चौहान जैसे बड़े पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन ही बनता। जिसका पति रोज शराब पीकर बाहर किसी और के साथ सोकर घर आए। मुझे लगता है बेग और चौहान को समझाना पड़ेगा। हाँ। आप कहें तो बीच सड़क पर उसकी धज्जियां उड़ा दूं, बड़ा मजा आएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। भाई साहब, हम राजकारण में हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और इसके बारे में मैंने अन्ना साहब जोशी से बात की है। हाँ जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम साहब, पिछले कुछ महीनों में चीफ मिनिस्टर ऑफिस और आपके कई मंत्रियों के नाम एक साथ कई बड़े घपलों में सामने आए हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जिन स्कैम्स की बात ऑपोजिशन वालों ने उठाई है, उन सभी के बारे में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है और सच्चाई जल्दी जनता के सामने होगी। सर, ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि आने वाले इलेक्शन में आपकी सरकार गिर जाएगी। ये सब बेकार की बातें हैं। आप सब लोग और जनता भी जानती है कि पिछले 4 साल में मेरी पार्टी और मेरी सरकार ने किस तरह के काम किए हैं। हर रोज ऑपोजिशन वाले असेंबली में सिर्फ फालतू की नारेबाजी और बाहर सड़क पर पत्थरबाजी करके सरकार के काम में रुकावट डाल रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ जनता ही भुगतेगी। मेरा ओपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष श्री अन्ना साहब जोशी से यही कहना है कि हम पर इल्जाम लगाने से पहले वो बेग और महेंद्र चौहान को काबू में रखना सीखे। चल, बहुत हो गया आज के लिए, आइए सर। चौहान साहब, वो कोठारी बिल्डर ने एक बार फिर पैसा देने से मना कर दिया। जानता हूं, आज पहली बार नहीं हुआ ये, पिछले 1.5 सालों में चौथी बार हुआ है। सारा पैसा बेग के लोगों को जा रहा है और तू? ए ठाकुर, तेरे को कितनी बार समझाया कि बाबा को टेंशन नहीं देने का, मेरे को बोलना पड़ेगा तेरे को क्या करना है, है? साला क्यों रे, तेरे पंटर लोग क्या हिजड़ों की तरह इधर उधर घूम रहे? फोन लगा सालों को। हाँ सलीम, भाई लोग को इकट्ठा कर कोठारी बिल्डर को टपकाने का है। नहीं यार, इट्स नॉट पॉसिबल। Thank you.
नमस्कार अन्ना साहब। नमस्ते। बैठिए बेग साहब। कहिए बेग साहब, एक तो पंचायत बुलाते हैं और खुद देर से आते हैं। हाँ, हमने कम से कम पंचायत तो बुलाई, वरना आजकल तो कुछ लोग सड़कों पर फैसला करने लगे हैं। अगर आपका इशारा कोठारी सेठ के मर्डर की तरफ है बेग साहब, तो जिसने भी ये किया है उसने पिछले साल जो सेठी का एक्सीडेंट करवाया गया था उसका अच्छा जवाब दिया है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और चौहान साहब आप इसे पंचायत कहें या कुछ भी। देखिए बेग साहब, बेग साहब, अन्ना साहब, आज हम इकट्ठा हुए हैं तो इस बात का फैसला कर लिया जाए कि नॉर्थ मुंबई का पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा, और बहरामबाग, नेहरू नगर और आजाद नगर से आने वाले इलेक्शन में किसको टिकट दिया जाएगा। देखिए बेग साहब, हम सब लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो आपस में बातचीत करके तय कर लेंगे कि क्या तय कर लेंगे। अन्ना साहब, ये आजाद नगर की बात कहाँ से बीच में आ गई? वहाँ से मेरा बेटा विवेक इलेक्शन लड़ रहा है, ये बात तय हो चुकी है। अच्छा, तो फिर हमारे इन बेचारे बलराम और मोहसिन का क्या, जिन्होंने पिछले 4 सालों में मेहनत करके माइनॉरिटी और दलित वोट इकट्ठा किए हैं। मुझे नहीं पता था अन्ना साहब कि हमारी पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब गुंडे मवालियों को टिकट दिए जाएंगे। चौहान, अपनी हद में रहो, और ये मत भूलो कि अगर मैंने एक इफ्तार पार्टी रख दी ना तो सारी पार्टी हिल जाएगी। हाँ, एक कबाब बेचने वाला और कर भी कह सकता है। चौहान, बेग साहब प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। चौहान साहब, आप भी थोड़ा संयम से काम लीजिए। देखिए, हम सब लोग एक ही पार्टी के लोग हैं। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि अपने आपसी मतभेद लड़ाइयां भूल जाएं, इलेक्शन आने वाले हैं। मेरी कल रात ही दिल्ली में हाईकमांड से बात हुई है। ये सब फैसले 2-4 दिन के अंदर अंदर हमारे सांसद यशवंत वर्दे खुद यहां पर आकर ले लेंगे। देख साहब, पार्टी हाईकमान का फैसला यशवंत को यहां भेजना हमारे मुंह पर तमाचे की तरह है। अब वो क्या फैसला करेगा? आखिर है तो वो चौहान का कुत्ता ही ना। फिक्र मत करो बलराम, अब मैं बहुत जल्द ऐसी चाल चलूंगा कि सत्ता हमारे हाथ में होगी। तेरी माँ बोल रही हूँ बेवकूफ, अब तक घर पर ही हो, टाइम नहीं देखा तुमने? क्या टाइम हो रहा है? 9 बज गए। 9 बज गए? ओ शिट, फिर लेट हो गई। हाँ, और तेरी वो ट्रांसकॉप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई है। You know you have to submit it by 12 o'clock. अच्छा ठीक है, सर मत खा, मैं जा रही हूँ, बाय। क्या ढूंढ रही है तू? अरे बत्रा ने कुछ पेपर्स मांगे यार, नहीं मिल रहे हैं। रिलैक्स यार, इतना टेंशन क्यों लेती है? हो जाएगा। टेंशन? क्लास तो वो तेरी भी लेने वाले हैं, पूछ रहे थे तेरे बारे में। गुड मॉर्निंग सर। हु केयर्स, प्लीज। वो सारी रिपोर्ट्स मेरे केबिन में भिजवा देना।
और सुनो, विशेष केमिकल के साथ मेरे अपॉइंटमेंट फिक्स करना। जी सर। सो गर्ल्स, व्हाट्स हैपनिंग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बस कुछ नहीं, ऐसे ही वो। अरे वाह सर, क्या बढ़िया सूट पहना है आज। इट्स माइंड ब्लोइंग। रियली? सर, वीकेंड पर आप गोल्फ खेलने गए थे ना? हाँ। कैसा था ट्रिप? अरे बहुत बढ़िया, गोल्फ और रॉयल पाम। सर, वो ट्रांसकॉप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल अगर मैं आपको कल तक दे दूं तो चलेगा प्लीज? ये सूट बढ़िया है ना? फैंटास्टिक सर, टॉप्स। देखो सारी रिपोर्ट से शाम तक मिल जानी चाहिए। यस सर। एक भी गलती होनी नहीं चाहिए उसमें। नो 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 नो। टेक योर ओन टाइम। सो स्वीट। सुनो मेरी बात। साला इडियट, पाउंड ऑफ फ्लैश। हाँ वो तो है, लेकिन तो फाइल का क्या करेगी? अरे छोड़ ना यार, लंच के बाद सोचते हैं। चल। At least we got some free time यार। Yeah. Yeah, नहीं नहीं, very long. So many times. How about a beautiful mind? हाँ, that's a good one. Let's go यार, please. हाँ? यार अमित, तुम्हें लगता है सीएम प्रशांत कुलकर्णी इस बार इलेक्शन में जीत पाएगा? अरे मुझे नहीं लगता। सेम टॉपिक से चौहान और बेग ने इस गवर्नमेंट के ऊपर इतने सारे करप्शन चार्जेस लगा दिए हैं, उनका टिकना मुश्किल है। और ऊपर से विवेक चौहान ने कुलकर्णी का जीना हराम कर दिया है। व्हाट डू यू थिंक, क्या विवेक चौहान एमएलए बनने लायक है? कम ऑन यू गाइस, पॉलिटिक्स के बारे में बात करना बंद करो। उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग। हमें उस गंदगी से क्या लेना देना? ओ कम ऑन अनुराधा, हाउ कैन यू बी सो इंडिफरेंट यार। अच्छा तुम्हारी उम्र क्या है? अब इस बात का मेरी उम्र से क्या लेना देना? बता ना, तेरी असली उम्र सुनने से ये लड़कियां भाग नहीं जाएंगी। सोनी यार बता ना। 26 साल। 26 साल। हम लोग वोट करने के लिए एलिजिबल कब होते हैं? 18 साल के बाद। 18, राइट? राइट। अब 26 और 18 के बीच में रहे 8 साल। ये पिछले 8 साल में इलेक्शंस कितनी बार हुए? इलेक्शंस का क्या है यार, हर साल तो होते हैं, होली दिवाली की तरह। एनीवे माय पॉइंट इज कि पिछले 4-5 इलेक्शंस में तुमने कितनी बार वोट डाला है? नहीं, एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं। देखो, आखिर हम सब इस पॉलिटिक्स की गंदगी से दूर रहना चाहते हैं। बट मार्क माय वर्ड्स, विवेक चौहान इज अ विनर, वो जरूर जीतेगा। ये सीएम प्रशांत कुलकर्णी की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने इस निकम्मी सरकार का पर्दाफाश कर डाला है। हमने साबित किया है कि जनता की सेवा की आड़ में कुलकर्णी और उसके मंत्रियों ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी है। मैं विवेक चौहान यह कहता हूं कि अगर उनमें जरा सी भी शर्म बाकी है तो अपना इस्तीफा दे दे, क्योंकि सरकार में रहने का हक वो खो चुके हैं। हाँ, तो मेरे साथ बोलिए, सीएम कुलकर्णी इस्तीफा दो, प्रशांत कुलकर्णी मुर्दाबाद, जय हिंद। यशवंत दादा दिल्ली से आ चुके हैं, लगता है आज तेरे बारे में फैसला हो जाएगा। कहिए यशवंत जी, क्या खबर लाए हैं दिल्ली से हमारे लिए? वो तो मैं बताऊंगा बेग साहब, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां के अखबारों और टीवी पर आप दोनों के मतभेदों की जो खबर बार बार आती रहती है उसे पार्टी हाई कमांड बहुत नाराज है। देखिए, इलेक्शंस पास आ रहे हैं और हमारी पार्टी की इमेज के लिए ये सारी बातें ठीक नहीं है। पार्टी की एकता बनाए रखने का दारोमदार आपके ऊपर है अन्ना साहब। एनीवे, पार्टी हाई कमांड ने यह फैसला किया है कि नेहरू नगर और बहरामबाग की टिकटें मिलिंद पाटिल और फातिमा शेख को दी जाएंगी। नॉर्थ मुंबई के डिस्ट्रिक्ट चीफ होंगे बलराम यादव और आजाद नगर से इलेक्शन लड़ेंगे विवेक चौहान। पार्टी की एकता के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हाई कमांड का फैसला मानना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक बात ध्यान में रखी जाए, बार बार फैसले हम पर थोपे ना जाएं। लियाकत अली बेग हर बार कंप्रोमाइज नहीं करेगा। पार्टी हाई कमांड की यह गुजारिश है कि प्रेस और कार्यकर्ताओं के सामने आप दोनों मिलकर ही अनाउंसमेंट करें कि आप में
कोई आपसी मतभेद नहीं है, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। जहां तक हमारे मतभेदों का सवाल है, तो ये कोरी अफवाह है, रूमर है ना? जी बिल्कुल, रूलिंग पार्टी की चाल है और मीडिया के उछाले हुए फालतू के चर्चे हैं। क्यों चौहान साहब? जी हाँ बेग साहब, और एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बता दूं कि आने वाले इलेक्शन में मैं और बेग साहब साथ मिलकर काम करने वाले हैं। धन्यवाद। नमस्कार। साहब, जैसा कि आपने देखा, एक तरफ तो रूलिंग पार्टी पर इल्जाम है तो दूसरी तरफ मतभेदों की अफवाह। सत्ता का बाजार बिल्कुल गर्म है। मैं विनाश प्रकाश, न्यूज इंडिया से। लो स्वीट डिश खाओ। खाना कैसा लगा यशवंत? लाजवाब माँ जी, बड़े दिनों के बाद घर का खाना खा रहा हूँ। अरे बाबा, मैंने सुना आज विवेक ने मोर्चे में बहुत अच्छा भाषण दिया। ये तो शुरुआत है दादा, मुझे पूरा यकीन है इस बार हमारी पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, तुम्हें अपने एरिया के अलावा दूसरी जगहों पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। इस बेग का कोई भरोसा नहीं है, ऐन वक्त पर धोखा देने वालों में से है ये। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। यहाँ गोयल मिला था। आई एम बिजी, आई विल कॉल यू बैक लेटर। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चलता हूँ, मुझे सुबह जल्दी निकलना है पूना, वो होटल की प्रॉपर्टी की डीलिंग करने। बैठो बैठो बैठो। अब पॉलिटिक्स की बातें बहुत हो चुकी है और तुम्हारा नॉमिनेशन भी हो चुका है, वक्त आ गया तुम शादी के बारे में सोचो। क्या माँ, आप भी शादी के पीछे पड़ी है? अब 2-3 साल तो मुझे करियर पर कॉन्सेंट्रेट करना है और ये सब बातें सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है। अच्छा, घर के बाहर तुम्हारी जितनी हरकतें होती रहती है ना, सब जानती हूँ। अरे बाप रे दादा, लगता है माँ ने मेरे पीछे CBI छोड़ रखी है। इस घर के बाहर तुम जो मर्जी करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस घर में जो लड़की आएगी वो मेरे हिसाब से आएगी। अरे माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? विवेक बहू आपकी मर्जी से ही लाएगा। चलिए मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना यशवंत जी। आइए दादा। विवेक, एक बात का ख्याल रखना, अब तुम MLA बनने जा रहे हो, चाहे कुछ भी करो लेकिन अपने इमेज का ख्याल रखना। जी दादा। देखो विवेक, वी पॉलिटिशियंस हैव अ सर्टेन रेपुटेशन विच वी हैव टू प्रोटेक्ट। आई अंडरस्टैंड दादा। गुड, बाय। थैंक यू, बाय। घर चलो। So mom, how's Delhi? Delhi? Delhi तो वैसा ही है, वही शीला आंटी की कार्ड पार्टीज और शोभा आंटी की किटी पार्टी। They'll never change. लेकिन एक बात है, तुम्हें दिल्ली छोड़ के 2 साल हो गए हैं। But I still miss you very much. Me too. बेटा काम कैसे चल रहा है? It's going good, mom. देखिए शायद 6-7 महीने में मुझे प्रमोशन भी मिल जाए। Oh, that's marvelous. So how's your work going? ठीक चल रहा है, हाई प्रोफाइल जॉब है ना, बस एक दिन के लिए बॉम्बे आई हूँ और अब ये हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं लंदन चली जाऊँ। Whoa, that's cool. डैडी से मिली थी क्या? मिस्टर सुबोध साइकल। डिवोर्स के बाद उस इंसान के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ जो मिले। हाँ, जब तुम दिल्ली में थी तो कभी कभार मिल लेते थे, लेकिन अब अनु, मैं एक बात से बहुत खुश हूं, वो छोटी सी बच्ची जिसने बचपन में इतना सब देखा था अब सब कुछ समझने लगी है। I love you, mom. I love you too, Peter. I love you. Anyways, शादी के बारे में कुछ सोचा है? Relax, mom.
अगर आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है then just have the patience. मुझे जैसे ही कोई मिलेगा ना सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी. प्रॉमिस? ऑफ कोर्स, दैट्स अ प्रॉमिस. दैट्स अ गुड गर्ल. चौहान, तुम्हें यहां पहले कभी देखा नहीं. रियली? व्हेन आई वुड ड्रिंक पहले कभी देखा नहीं. वांट टू हैव अ ड्रिंक विद मी. लगता है आजकल के लड़कों के पास लड़कियों से जान पहचान करने के लिए और कोई लाइनें नहीं बची. जॉइनिंग अस? मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूं. थैंक्स. एक्सक्यूज मी. मस्ती में हम
Hi. Who's this? Vivek Chauhan. Vivek Chauhan? कौन विवेक चौहान? लोग अब लोग हमें पहचानने से भी इनकार करने लगे, जबकि रूलिंग पार्टी वाले कहते हैं मैं काफी बदनाम हूँ, आए दिन लोगों को डराता धमकाता रहता हूँ। ओके विवेक, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब तुम ये भी पूछोगी कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? क्यों किया? यही जानने के लिए कि अगर तुम्हें लंच पे इनवाइट करना हो तो कौन सी लाइन इस्तेमाल की जाए। समथिंग सिंपल एंड स्ट्रेट, नॉट पॉलिटिकल। ओके, नो पॉलिटिक्स, नो राजनीति। कल दोपहर 1 बजे लेगेसी ऑफ चाइना। ओके, बाय बाय। यू सीम टू बी सच अ डिफरेंट पर्सन। तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे जैसा आदमी पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है? क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। Oh, I see. It was a natural step. जैसे बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, जैसे एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, तो जाहिर सी बात थी महेंद्र चौहान जैसे बड़े पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन ही बनता। राइट। Isn't that obvious? Well, weekends पर दोस्तों के साथ पब में जाने के अलावा आप और करती क्या है? एक पब्लिक रिलेशंस फर्म में क्लाइंट सुपरवाइजर हूँ। पब्लिक रिलेशंस? इंटरेस्टिंग। कभी किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पीआर यानी पब्लिसिटी के बारे में नहीं सोचा? पॉलिटिशियंस को पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? अपनी हरकतों और क्या कहते हैं उसे, आंदोलन, सो कॉल्ड आंदोलन की वजह से अक्सर मीडिया में उनके चर्चे होते ही रहते हैं, मुफ्त में पब्लिसिटी मिलती ही रहती है। सरत। अकेला लड़का हूं इसलिए माँ ने बहुत लाड़ प्यार से बढ़ा के, एक तरह से उसने मुझे बिगाड़ा। बाबा शुरू से बहुत सख्त है, यू नो, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, लेकिन मैं जानता हूं दिल ही दिल में वो मुझसे बहुत प्यार करता है। दैट्स मी। व्हाट अबाउट यू? अ ब्रोकन होम, तलाकशुदा पेरेंट्स, मेरी लाइफ तो बस मेरे फ्रेंड्स और मेरा काम। हम दोनों बहुत ही अलग अलग दुनिया के हैं विवेक। तुम गलत कहती हो अनु। अक्सर हमारे आसपास के लोग हमें जता डालते हैं कि हम औरों से अलग हैं। इंसान तो अपने अतीत का मारा होता है। Does it matter? Doesn't matter. Will you marry me? देविका जी, आपके पति क्या करते हैं? बाबा सारी बातें तो मैं 10 साल की थी जब मम्मी और पापा का तलाक हो गया। तो फिर कन्यादान कौन करेगा? मेरी माँ करेगी। अरे लतेश भाई, विवेक की शादी का क्या अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट है ना, मजा आ गया ना। क्या है ना, पॉलिटिशियनों को कुछ करने का ही अपना काम है। पॉलिटिशियन कुछ तो अपने कुछ इलेक्शन से ना पास में आ भी जाए, क्या इसके अंदर 2 चार्टेंडर पास हो जा रहे। सुना है फिल्म भी फाइनेंस कर रहे हो? सोच रहा हूँ। क्या है ना, 2 चार स्टोरी सुन के रखा है। ग्लैमर के साथ क्या अपना अटैचमेंट है, लतेश प्रस्तुत आ जाए। बाद में बात करता हूँ। भाई विवेक भाई की शादी तो हो गई, आपको मालूम है इस सरकार में हमारे 17 आदमी मारे गए। चिंता मत कर मुन्ना ठाकुर, हमारी सरकार आने दो, उसके बाद उनके दुगने मरवाएंगे। हाँ,
उसी दिन मैं गंगा जी में जाकर डुबकी लगाऊंगा। अन्ना साहब ये तो आपको देखना पड़ेगा, मैं तो बेटे की शादी के चक्कर में पिछले 10 दिनों से पार्टी ऑफिस ही नहीं गया, अब कल से सिर्फ इलेक्शन का काम देखना। सुना है कि वो बेग साहब भी आने वाले? हाँ आएंगे क्यों नहीं, यही तो कुछ मौके होते हैं जब हम पॉलिटिशियन लोग आपस में मिलते हैं, वरना तो आप जानते हैं। लीजिए लीजिए, विवेक आ गया। बिल्कुल ठीक है। खुश रहो, खुश रहो बेटी, खुश रहो। बाबा लीजिए, बेग साहब भी आ गए। ये आइए, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक हो। हेलो। थैंक यू बेग साहब, थैंक यू बेग साहब। मेरी बहू अनुराधा बेग साहब खूबसूरत है जोड़ी। ये आपके लिए। मुबारक हो। चेला गुरु से आगे निकल गया यशवंत जी, तुम भी शादी कर लो। अब तो शादी करनी पड़ेगी। हनीमून के लिए कब जा रहे हो? कल सुबह की पहली फ्लाइट से। नो टाइम वेस्टेज। बस एक हफ्ते की अच्छी खासी छुट्टी हो जाएगी और फिर बाद में हमारी पार्टी को इलेक्शन की तैयारी भी करनी है, क्यों बेग साहब? सो शैल वी हैव अ टोस्ट फॉर दिस लवली कपल? हाँ विशु बोल, यादव के आदमी ज़रा तकलीफ तो नहीं दे रहा? और हाँ वो सावन से बात हुई? एक मिनट। हाँ विशु, हाँ वो सावन से बात हुई? हाँ, मुंबई पहुँचना है, उससे मीटिंग फिक्स कर देना। हाँ बड़वे को बोलना कम से कम 5 पेटी चाहिए। भाई यशवंत, पार्टी हाईकमांड की मेहरबानी हम पर कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हर फैसला चौहान के हक में जाता है। चलो जो हुआ सो हुआ। ऐसा नहीं है बेग साहब, सबको साथ लेकर ही पार्टी को आगे बढ़ाना है, आप तो समझ सकते हैं। हाँ समझ सकता हूं। एक बात कहूं यशवंत, मुंबई के एक मामूली मिल मजदूर से लेकर संसद तक का सफर जो तुमने तय किया है ना, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। आज तुम्हारे ताल्लुकात सबसे हैं, चाहे वो मुंबई को हो, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो बिल्डर्स हो, कमाल है। देखो यशवंत, मेरे पास हर तरह का वोट बैंक है। तुम एमपी तो हो, इस देश में 550 MP होते हैं, आदमों के नाम तो पब्लिक को याद भी नहीं रहते। मेरी मानो, मुझसे हाथ मिलाओ, हम दोनों मिलकर इस स्टेट में कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। बेग साहब, शरबत बहुत बढ़िया था। अच्छा बेग साहब, चलता हूँ। जो बात मैंने कही है उसके बारे में सोच ना यशवंत। वक्त आने पर जरूर सोचूंगा बेग साहब। कहाँ
काफी सख्त चना है बेग साहब, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। यादव तुम बेवकूफ हो वाकई, सुना नहीं क्या कहकर गया है, वक्त आने पर जरूर सोचेगा। नमस्ते बाबा। कैसा है विशु? ठीक हूँ बाबा। कैसा है रे? ठीक हूँ। और सुना, रशीद भाई ने दो पेटी भेजा है। हाँ। और बदले में उसे पठानवाड़ी का चार गाला चाहिए। काम हो जाएगा। सावन का क्या हुआ? कह रहा था कुछ ही दिनों में कर देगा। हाँ। हनीमून कैसा रहा? ठीक था। क्यों भाई, सुरेखा याद कर रही थी? हाँ, उसे बोल देना बाद में उसे मिल लूंगा। चल अभी कल्टी मार। बाद में। ओके। नमस्ते बाबा, चलता हूँ। रशीद भाई वाला काम हो गया? जी बाबा। गुड। अरे हाँ, याद आया, वो पिल्लई का फोन आया था। अपना जो नासिक वाला होटल है उसका बिजनेस बहुत गिर गया है पिछले महीने से। ऑक्यूपेंसी रेट कुछ ज्यादा ही कम हो गए, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बाबा, जब मैं अपनी कंपनी में काम करती थी तो गोवा का एक बहुत बड़ा होटल हमारा क्लाइंट हुआ करता था। हमारी मार्केट रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल दी और दोबारा उनके बिजनेस में मुनाफा होने लगा। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे फ्रेंड के पास है, अगर आप कहें तो मैं मंगा लेती हूँ। खाना खाओ। अरे मैं तुम्हें बेडरूम में ढूंढ रहा हूं, तुम यहां खड़े हो? आओ। क्या हुआ विवेक, क्या मैं तुम्हारे फैमिली बिजनेस का भी हिस्सा नहीं बन सकती? बाबा की बात का बुरा मान गई। बात ऐसी नहीं है अनु। तो फिर कैसी बात है? तुमने पहले कहा कि मां और बाबा को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है, तो मैंने छोड़ दी। कम ऑन अनु, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो, बाबा को पॉलिटिक्स और बिजनेस में औरतों का बोलना बिल्कुल पसंद है। मेरा मतलब है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, दोनों पुराने ख्यालात के हैं, वक्त के साथ बदल जाएंगे। तो मुझे शादी के पहले एक रूल बुक दे देते कि शादी के बाद अनु तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है। अब मैं घर बैठे बैठे क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गो आउट, सी फिल्म्स, मीट फ्रेंड्स, घर के काम में इंटरेस्ट ले लो। क्यों, कम ऑन, चीयर अप, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द बेडरूम। बनवारी काका, क्या बन रहा है आज? पालक पनीर बना रहे हैं। पालक पनीर? हाँ। लाइए, आज मैं आपको एक डिश बनाकर खिलाती हूँ। दीजिए, अरे दीजिए ना बनवारी काका। थोड़ा कोथमीर और टमाटर दीजिए वहां से। अनुराधा जी, मेरे ख्याल से हमारे घर में काफी नौकर चाकर हैं। चौहान खानदान की बहू की जगह किचन में नहीं है। माँ जी, कल जब ड्राइंग रूम में मैं सामान इधर से उधर रख रही थी, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि ये घर 40 साल से ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। और अब मुझे तो लगता है कि चौहान खानदान की औरतों की जगह ना तो ड्राइंग रूम में है और ना ही किचन में है, तो सिर्फ अपने पतियों के बिस्तर में है। एकदम महीन पीसा जैसे उसने पीसी है। वो उठाओ, वो भी उठाओ। अनुराधा,
कहाँ जा रही हैं आप? आप तो जानती हैं मेरे फ्रेंड्स का फोन आया था, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। हो सकता है शाम को लौटते वक्त लेट हो जाए। विवेक को पता है? ऑफिस में फोन किया था, वहां तो वो रहता नहीं। उसका फोन आए तो कह दीजिएगा कि मैं नीलू के घर पे हूँ। You're right, नीलू। जो चीजें दूर से चमकती हैं, पास आने पर उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। पहले आप अपनी किस्मत पर भरोसा करके किसी एक इंसान से शादी करो, फिर उसके घर के कायदे कानून के हिसाब से एक नई जिंदगी जियो। और अगर वो भी काफी ना हो तो अपने पति की सारी बुराइयों को नजरअंदाज करो। और एक दिन पता चलता है कि आप अपनी पहचान खो चुके हैं। यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी। अनु, मैंने तुम्हें जितना भी जाना है ना, तुमने जिंदगी में हर मुश्किल का सामना डट के किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी यही करती रहोगी। इत्मीनान रखो ना बेब्स, जस्ट हैव पेशेंस ना। पेशेंस। अनुराधा, टाइम देखा आपने? जी हाँ, 11:30 बज रहे हैं। ये कोई वक्त है किसी शरीफ घर की बहू के घर लौटने का? विवेक आ गया? वो लड़का है। आप ठीक कहती हैं, शादी के बाद भी उसका लड़कपन नहीं गया। इन दोनों को घर तक ध्यान से छोड़ के आना। क्या वो सावन को पब में मिलकर मुझे फोन करना। ठीक है भाई। ए चल। अरे बैठ बैठ। क्या हुआ, आप दोनों अभी तक सोए नहीं? अरे जिस घर की बहू रात 11:30 बजे लौटेगी वहां माँ बाप को नींद आएगी क्या? तुम्हारे लाख समझाने पर भी उसके तौर तरीके बदले नहीं हैं। पोशाक देखो जो पहनती है आजकल। अरे मैं कहती हूँ सख्ती से काम लो वरना पानी सर की। अनु, ये टीवी बंद कर दो। क्यों? तुमसे बातें करनी है। बोलो। कितनी बार तुम्हें वही बातें समझानी पड़ेगी? कौन सी बातें? कौन सी बातें? सिंपल थिंग्स, डैम इट। इस घर के कुछ तौर तरीके हैं। कितनी बार हम लोगों ने तुम्हें समझाया लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ता। आखिर तुम जाती क्या हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अपने आप को बदलती क्यों नहीं? Why don't you change yourself, damn it? इसलिए कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के डबल स्टैंडर्ड से सख्त नफरत है। शादी के बाद तुम किसी भी तरह की जिंदगी जियो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं कुछ भी करूं तो चौहान खानदान की इज्जत कटती है।
अगर इज्जत ही बनानी थी ना विवेक, तो ऐसी लड़की को घर ले आते जिसका पति रोज शराब पीकर बाहर किसी और के साथ सोकर घर आए, और वो उससे ये पूछने के बजाय कि वो कहाँ था उसके पैर दबाती है तुम्हारी माँ की तरह। तुमने मुझे थप्पड़ मारा विवेक, तुमने मुझ पर हाथ उठाया विवेक। अगर तुमने अपने तरीके नहीं बदले तो मैं तुम्हें और मारूंगा, समझे? उन लड़कियों में से नहीं हूं विवेक जो पति का थप्पड़ खाकर किचन में जाकर रोती है। याद रखना। हाँ मिस बोल। हाँ सावन को रोक के रखना, मैं वहीं पहुंचा हूं। मैं सही क्या हुआ? कुछ नहीं, अब चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। अरे कहाँ जा रहा है? सावन को मिलना है पार्टी फंड के लिए। सावन को मिलना है इस वक्त? अरे सुन, हमारी पार्टी फंड के लिए मुझे पैसा चाहिए। एक हफ्ते का टाइम देता हूं, ये तो समझ जा। और वैसे भी तुम लोगों को हमारी जरूरत पड़ती ही रहती है ना? मगर विक्सा, चल विशु, सावन ने अगर पैसा नहीं दिया तो उसके सारे के सारे टेंडर्स कैंसिल कर दो। चल दारू पीते। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है, वी आर क्लोज्ड। क्या रे, जानता नहीं तू इसको कौन है? ये है पॉलिटिशियन का लड़का है, विवेक चौहान नाम है इसका। कहता क्या है, बार बंद हो गया, चल हटी यहां से। लेकिन सर, सर रोहित, दो विस्की। एक्सक्यूज मी सर, बार बंद हो चुका है। डू यू नो टू हुम यू आर स्पीकिंग टू? जानती हो मैं कौन हूं? अब जो भी हो सर, हम आखिरी ऑर्डर ले चुके हैं, कांट हेल्प यू विद दैट। तुम साली दो टके की औरत है, अपने आप को समझती क्या हो? हर जगह तुम्हारी मनमानी चलेगी। एक्सक्यूज मी सर, एंड बिहेव योरसेल्फ, आप हद से ज्यादा बोल रहे हो। मैं आखिरी बार कहता हूं, आई वॉन्ट माई ड्रिंक राइट नाउ। आई एम सॉरी सर, आपको ड्रिंक नहीं मिलेगा। आई सेड वी आर क्लोज्ड। अरे भाई ये क्या कर दिया तूने? पता नहीं यार, कहां का गुस्सा मैंने कहां निकाल दिया। चल यहां से, चल चल भाग, चल चल भाग, चल भाग, विश्व भाग। ठीक है ना भाग? 13 नंबर में लड़के बिड़के होंगे ना, पकड़ के अंदर डालना सीधा। ओ खेलकर, 14 नंबर में देख अस्किल तक। चल चल भाग भाग, जल्दी भाग। अरे भागो जा, अरे छोड़ अरे एक इस गाने कौन है तो ग्राफ। इंस्पेक्टर उद्धव पवार, अटक साला, छोड़ दे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है राणे, तुम्हें पता है तुमने किसके बेटे को अंदर कर रखा है? चौहान साहब, मैं क्या कर सकता था? वो पवार ने अरेस्ट किया है, अब पंचनामे में 25 विटनेस के सिग्नेचर्स हैं। एक लड़की का खून हुआ है और ये ऊपर से साला पवार बिकाऊ नहीं है। फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, अब ये कोर्ट का मामला है। पंडित जी, वकील को फोन लगा, बोले जमानत की तैयारी करें। अभी करता हूं। लेकिन सर, मैं
मैं आपको बताता हूँ कि ये तुम ये बताओ विटनेस पे किस किसने दस्तखत किए हैं। पवार क्या अकेला अफसर है? अब तुम क्या कर रहे हो? आप चिंता मत। अच्छा ठीक है। विवेक कहाँ है? आइए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या जरूरत थी? पता नहीं है तुझे, इलेक्शन सर पे है और तू अब गलती हो गई ना बाबा, वो शुक्ला से कहकर मेरी बेल करवाओ और जो विटनेसेस है और वो इंस्पेक्टर है ना उसको खरीद लो। बाहर निकलने के बाद सब संभाल लूंगा मैं। चुप। बाहर निकल के सब ठीक कर दूंगा। तू समझाएगा मुझे कि मुझे क्या करना है? बाहर निकल के सब ठीक कर दूंगा। और तू, कितनी बार समझाया तुझे कि सामान लेकर मत चला कर रास्ते में, भेजा नहीं है तेरे पास, इस्तेमाल किया कर थोड़ा। विवेक बेटा तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ माँ, तू चिंता मत कर, कुछ ही दिनों की बात है। इसके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ? क्या हुआ इसको? मरद ने? अरे पहली बार ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मेरा मरद तो आते जाते रहता है। गया जेल में महेंद्र चौहान का पिल्ला, अब देखते हैं क्या करता है वो। मलाम, आजाद नगर दुल्हन की तरह सजा है, दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। मुबारक हो। जादव जी साहब, एक कटिंग बोल। ठीक है साहब। क्या रे पवार, आज तो बड़ा खुश होगा तू। मालूम पड़ा कि विवेक चौहान की बेल एक बार फिर से बना हो गई। और मैं क्या कहता हूं कि चौहान साहब के वकील ने तुझे जो ऑफर दिया, अरे मान ले, सुखी रहेगा तू। अरे चार ट्रांसफर तो तेरे पहले ही हो चुके हैं। सोच, अरे जरा सोच, बड़ी मुश्किल से पोस्टिंग मिलती है, अरे कई पॉलिटिशियन और बेग जैसे आदमियों के लिए काम किया है मैंने। एक बात बता राणे, पहले तेरी पोस्टिंग रेंट रोड पर पीला हाउस में थी ना? हाँ, क्यों? नहीं, मैंने सुना है वहां बहुत माल बनाया तूने, बहुत पैसा बनाया तूने। रंडियों के ब्लाउज में से पैसा निकालकर हफ्ता इकट्ठा करता था तू। और सुन ना, कभी शिंदे, कभी पाटिल, कभी बेग, अभी वो चौहान, इन नेताओं के तलवे चाटने से तो अच्छा है वहां पीला हाउस में जाके भड़वागिरी शुरू कर दे, बहुत माल कमाएगा। ये वर्दी है तेरी रखेल का पल्लू नहीं, समझा? ये देख क्या लिखा है, पढ़ना जानता? सदरक्षण आय खल निग्रहण आय, पढ़। मतलब जब तक मैं विवेक को सजा नहीं दिलवाता तब तक फाइल बंद नहीं करूंगा, समझा? बड़े अफसोस की बात है चौहान साहब, आज फिर विवेक की बेल नहीं हो पाई। 14 दिन के लिए उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है,
साफ साफ बताओ हिरवानी, 14 दिनों बाद बेल के क्या चांसेस हैं? जी बहुत मुश्किल है, अगर उस दिन भी बेल रिजेक्ट होती है तो कम से कम 4-6 महीने के लिए तो वो अंदर गया। अपने अच्छे खासे कैरियर को बर्बाद कर दिया बेवकूफ ने, और उधर बेग खुशी से फूला नहीं समा रहा होगा। क्या कहते हो यशवंत? जी प्रॉब्लम तो वाकई बहुत बड़ी है। आप तो पहले अनाउंस कर चुके हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस बार तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। छोटा मुंह और बड़ी बात ना हो तो एक बात कहूं? बोलिए। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप अपनी बहू अनुराधा जी को इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा कर देते? घर की सीट घर में ही रह जाएगी, और जहां तक विवेक जी की बात है, 2-4 महीने में भोली भाली जनता इस कांड को तो भूल ही जाएगी। गुड आइडिया बुरा नहीं है चौहान साहब, अगर अनुराधा जी तैयार हो तो मैं बात कर लूंगा हाईकमांड से। सिर्फ सुना था कि इंसान भी कभी कभी क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, आज देख भी लिया। देखो अनुराधा। देख रही हूं बाबा, सब देख रही हूं। आपको तो बिजनेस और पॉलिटिक्स में औरतों का बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था ना, तो अब क्या हुआ? वक्त की नजाकत को समझो बेटी, अब कुछ ही दिन रह गए हैं इलेक्शन में, और ये चौहान खानदान की इज्जत और विवेक की इज्जत का सवाल है। और बेटा एक पतिव्रता औरत होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि इस इज्जत को संभालो। तो आप चाहते हैं कि मैं पतिव्रता बनकर आपके बेटे की हरकतों को नजरअंदाज कर दूं और पॉलिटिक्स में उतर कर बलि का बकरा बन जाऊं? कल तक तो घर के बाहर कदम रखने के लिए मुझे आपकी इजाजत लेनी पड़ती थी, और अब वही अनुराधा चौहान चौराहे पर खड़े होकर सारी दुनिया के सामने वोटों की भीख मांगेगी, उससे आपकी इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वाह। देखो बेटी एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये मेरी तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। हाँ बेटा। अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए क्या क्या करते हैं, उनके लिए कितना आसान था कहना पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक बात बताओ ना, तुम्ही तो कहती थी ना कि तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। तुम्ही तो कहती थी कि इस घर में तुम्हारा दम घुटता है। हो सकता है कि यही एक मौका हो खुली हवा में घूमने का, अपनी पहचान पाने का। देखो बेटा अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन जानती हो भगवान ने इंसान को सबसे बड़ी चीज क्या दी है? मौका। मौका एक जिंदगी जीने का, कुछ कर दिखाने का। बेटा आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। Thank you.
साहबा मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, ये फैसला मैंने आप लोगों के अलावा अपने लिए भी किया है। और दूसरी बात, मैं आपकी पॉलिटिक्स की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। उसकी तुम चिंता मत करो बेटी, मुझे खुशी है कि तुमने चौहान खानदान की खातिर यह फैसला लिया है, और जब तुमने ये फैसला ले लिया है तो तुम्हें मार्गदर्शक भी मिल जाएगा। आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं, आओ। प्लानिंग कमीशन और एक्सपेंडिचर रिपोर्ट चाहे जो भी कहें, यहां काम तो हमें करना पड़ता है ना शुक्ला जी। हाँ ये तो है, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। यशवंत को तो तुम जानती हो, आज से ये तुम्हारा गुरु समान है। देखो बेटी, अगर राजनीति में जिंदगी भर सर उठाकर चलना है तो पहले कुछ कदम झुककर चलने होंगे, यही नियम है राजनीति का। यशवंत जी, आज से अनुराधा तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें क्या लगता है, काम हो जाएगा? हाँ, मैंने नगर सेवक से बात कर ली है, अब देखो। आइए अनुराधा जी, आज से ये आपका ऑफिस है और ये आपकी कुर्सी। इस कुर्सी को ध्यान से देखिए, ये कोई आम कुर्सी नहीं है। इस कुर्सी पर बैठने की और टिके रहने की आदत आपको पड़ गई तो राजनीति का आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको और कुछ लोगों से मिलवाता हूं, आइए प्लीज कम। एक मिनट कैसे हैं? थैंक यू। आइए अनुराधा जी, इनसे मिलिए, ये पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। परवेज खान साहब, इंदु बेन, आनंद भाई देसाई, रमेश दादा सोनावड़े, और आप हैं मिलिंद राव पाटिल। आइए। नमस्कार। आप हैं सुहासिनी देव भावे और रश्मिताई जोशी, ये पार्टी की सिटिंग एमएलए हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती हैं। हाँ, और आप हैं चंदू सुरवे, यंग डैशिंग कॉर्पोरेटर फ्रॉम तिलक नगर। वेरी डैशिंग। आइए। नमस्कार। तो कह रहा था फारूक भाई। आदाब। ये फारूक नेपाली हैं और मुन्ना ठाकुर। नमस्ते। नमस्कार। इनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। आइए। रिजवान भाई, असलम चड्ढा। एक मिनट यशवंत। और बेग साहब को तो आप जानती हैं। खुशामदीद, पार्टी में आपका स्वागत है। शुक्रिया। हरीश शेट्टी, बहुत बड़े होटेलर हैं, इनके 15 बार हैं इस शहर में। मिस्टर कपाड़िया, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत बड़े बिजनेसमैन। एक मिनट यशवंत, बस एक मिनट। एक्सक्यूज मी, ये जिन लोगों से तुमने मुझे मिलवाया है, हमारे पार्टी के एमएलए और कॉर्पोरेटर्स, इनके बारे में तो समझ में आता है, लेकिन ये शाहरुख कपाड़िया जैसे बिजनेसमैन और फारूक नेपाली और मुन्ना ठाकुर जैसे गुंडे आए दिन अपने घपले और हत्याओं की वजह से अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं, इनका हमारी पार्टी से क्या लेना देना? अनुराधा जी, सत्ता हासिल करने के लिए और चलाने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, पैसा जो हमें बिजनेसमैन देते हैं, ताकत जो हमें फारूक और ठाकुर जैसे लोगों से मिलती है, और इन दोनों चीजों का सही इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होता है दिमाग, जो हमारे पास है। यू नो व्हाट आई मीन? आप समझ जाओगी, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। यशवंत जी, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट कमिंग। कहिए बेग साहब। वेरी गुड, पहले दिन ही कमाल कर दिया। अनुराधा चव्हाण, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराधा चव्हाण, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराधा चव्हाण, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराधा चव्हाण, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराधा चव्हाण, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराधा चव्हाण, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराधा चव्हाण, जिंदाबाद। अनुराधा चव्हाण, जिंदाबाद। अनुराधा चव्हाण, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराधा चव्हाण, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराधा चव्हाण, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
हमारी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जन एकता मंच भले ही ऑपोजिशन में रही हो, लेकिन हमने बार बार आपकी जरूरतों को, आपकी समस्याओं को सरकार के सामने प्रत्यक्ष रूप में रखा है। खूबसूरत है, पर बिचारे का मर्द तो जेल में है। श्री महेंद्र चौहान ने पिछले 4 साल में जो काम किया है वो आपके सामने तो है ही। मैं उनकी बहू तो हूं, लेकिन उसके अलावा एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल भी। इस औरत में दम नहीं है बिड़ू, विवेक वाली बात नहीं है। हाँ। और आपकी समस्याओं को समझकर आजाद नगर को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकती हूँ। मुझे आपका समर्थन चाहिए, उसकी पूरी उम्मीद रखती हूँ। क्या बोलता मोहनलाल? दम नहीं यार, पकार लिए मैं तो चला संडास। हटा बाबा। धन्यवाद। सियासत की नई नई दुल्हन है, धीरे धीरे सीख जाएगी। धन्यवाद। हाय अनु। आओ अनु बैठो। किरण क्यों आई थी यहां पर? क्यों? दोस्त मेरी, कहीं भी मिलने के लिए आ सकती है, तुमसे पूछ के आएगी। वो सब ठीक है, मुझे ये बताओ इलेक्शन का काम कैसे चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। गुड, वैसे भी चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। मैंने और बाबा ने आजाद नगर में इतना काम किया है कि हमारा नाम लेकर वहां कोई भी जीत जाएगा। ऐसे क्यों देख रही हो? लगता है उस रात का भूत अभी तक उतरा नहीं दिमाग से। तो मेरी बात कर रहे हो? किसी को इतनी बेरहमी से मारकर तुम इतनी बेशर्मी से कैसे रह सकते हो? तो क्या करूं, मर जाऊं? अरे हो गई गलती। तुम इसे गलती कहते हो? ये तुम्हारा कैरेक्टर है विवेक। शट अप। मेरी गलती की बात करती है अपनी सोच। चौहान खानदान के लेवल के बिना तुम्हारी औकात ही क्या है? मुझे तुमसे घिन आती है विवेक। क्या बोल रही बेजा? सिखाती है साली बिच विवेक चौहान को। मेरी गलती की बात करती है अपनी सोच। चौहान खानदान के लेवल के बिना तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारी औकात ही क्या है? पूछ सकता हूं, इलेक्शन ना लड़ने का फैसला आपने क्या सोच कर लिया? क्यों लड़ू ये इलेक्शन? किसके लिए? विवेक के लिए, जो ये कहता है कि चौहान खानदान के लेवल के बगैर मेरी औकात ही क्या है। ठीक ही तो कहता है, मैं तो खुद भूल चुकी हूं कि मेरी पहचान क्या है। यहां देखो अनुराधा, इधर, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र। यहां की 100 करोड़ जनता ने न जाने कितनी बार वोट डाल डालकर चंद नेताओं के हाथों में सत्ता थमाई, अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक उन्हें दिया। और इन नेताओं ने क्या किया? बार बार उसी जनता का विश्वास तोड़ा, और इस हद तक तोड़ा कि आज आधी से ज्यादा जनता वोट डालने तक को नहीं जाती है। और तुम जैसे पढ़े लिखे लोग जिनके पास बचपन से सब कुछ होता है, वो कुछ नहीं करना चाहते।
कभी कभी तो ये भी कह डालते हैं कि अपना देश तो अंग्रेजों के नीचे ही अच्छा था। तुम अपनी पहचान की बात करती हो, जानते हो तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तुम अपने अतीत में खो चुके हो। तुम्हें अपनी पहचान अपने अतीत में नहीं, अपने भविष्य में मिलेगी। तकदीर ने तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका दिया है कुछ कर दिखाने का, अपनी पहचान बनाने का। उसे इतनी आसानी से मत खोने देना। अनु, वादा करो कल सुबह मुझे एक अलग अनुराधा दिखाई देगी। अनुराधा चौहान, मुझे बहुत हंसी आती है जब भी ये नाम सुनता हूं। कई बार मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनेकता मंच के बहुत बुरे दिन आ गए हैं, जो उन्हें अनुराधा चौहान जैसे लोगों को टिकट देना पड़ रहा है। मैं पूछता हूं, उसे किस बलबूते पर टिकट दिया गया है? सिर्फ इसलिए कि वो चौहान खानदान की बहू है? क्या यही परंपरा है चौहान खानदान की? अनुराधा चौहान जिंदाबाद, अनुराधा चौहान जिंदाबाद, अनुराधा चौहान जिंदाबाद। या फिर इसलिए कि वो विवेक चौहान की पत्नी है? अनुराधा चौहान, वो विवेक चौहान जिसने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है। यशवंत, गिव मी द माइक। क्या तजुर्बा अनुराधा, इस वक्त हमारे पास यशवंत, गिव मी द माइक। अरे राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जिसे देखा माइक उठाकर चला आया। अरे ये कल की छोकरी क्या जाने की पॉलिटिक्स किस भला का नाम है। भाइयों और बहनों, ये तो विवेक चौहान ने ये जुर्म किया है कि नहीं, इसका फैसला अदालत करने वाली है। यहाँ खड़े होकर चिल्लाने से बेहतर मैं महात्रे साहब को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि पुलिस में ऐसे कुछ केसेस उनके खिलाफ भी दर्ज है। पिछले 50 सालों में पहली बार आजाद नगर क्षेत्र से एक औरत आपका प्रतिनिधित्व करने जा रही है। राजनीति में मुझे तजुर्बा ना सही, लेकिन जनता की सेवा करने का जज्बा है मुझ में। जनता की सेवा करने के लिए उनके रोजमर्रा की दिक्कतों को समझने की जरूरत होती है, और ये एक औरत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हाँ। याद रहे, आज भी मर्द के लाख दबाए जाने के बावजूद इस देश का हर घर औरत ही चलाती है। भाई में दम है, इसकी तो निगल बड़ी। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? कह रहे मौला, तेरे को संडास नहीं जाने का क्या? अरे काय का संडास, इसकी जरूरत तो अभी मात्रे को पड़ने वाली है। भाई तो जीत गई। कांग्रेचुलेशन चवान भाई, कमाल है, आपकी बहुत सही लाइक से जीत गई है जी। ये भी यशवंत भाई की छत्र छाया में कोई भी खड़ा हो जावे ना, इलेक्शन जीतवा नहीं है। देखिए नतीश भाई, इलेक्शन भले ही मेरी बहू ने जीता हो, लेकिन ये सारा खेल तो विवेक का ही था। अरे भाई चलिए, यात्रा की तैयारी हो चुकी है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए चलो 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 Yeah!
तो विवेक खुश हो ना तुम, तुम्हारी बीवी इलेक्शन जीत गई। हाँ उसे तो जीतना ही था, पर अफसोस इस बात का है कि हम लोग सत्ता में नहीं आ सके। हाँ। प्रशांत कुलकर्णी ने छोटी मोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली। हाँ। मैं भी देखता हूँ ये कुलकर्णी की सरकार कितने दिन चलती है, एक बार मुझे बाहर तो निकलने दो। क्यों? अरे इरवान मेरे बिल का क्या हो गया? अरे वो जो विटनेसेस है उनको खरीद लो यार। और वो क्या इंस्पेक्टर का नाम? पवार। पवार, पवार का कुछ बंदोबस्त करो। चिंता मत करो, हो जाएगा। चिंता मत करो, पियोगे? नहीं। यार सर। अरे हाँ पवार, एक जोक सुनो यार। कहता है दुनिया में आए हो तो कर जाओ कोई ऐसा काम, गली गली से आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। और क्या हो रहा है सर? वो खार में मर्डर हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सर। और सर वो विवेक चौहान की जो वो केस को हैंडल नहीं कर रहे हो, उसका चार्ज वागले को दे दो। क्यों सर? वागले को क्यों दे दे सर? क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। और हाँ, तुम्हारा ट्रांसफर कांदीवली जोन में हो चुका है। लेकिन सर। यस सर, अपने सीनियर्स के ऑर्डर सुनना, तुम्हारी ड्यूटी का एक हिस्सा है। ओके जी सर। और सुनो, मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के ये कुछ इनविटेशन कार्ड्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस और वीआईपीज के लिए, जरा बांट दें। ठीक है पवार, तुम वही इंस्पेक्टर हो ना जो मेरे पति यानी कि विवेक का केस हैंडल कर रहा है? केस हैंडल करता था मैडम, अब वो केस कोई और ऑफिसर हैंडल कर रहा है। क्यों? वो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैडम, पैसे की ताकत और नेताओं के डर की वजह से इस सिस्टम में कुछ भी हो सकता है मैडम, कुछ भी। आपके पतिदेव तो कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे मैडम, हो सकता है मुझे उन्हें सैल्यूट भी करना पड़े। आप लोग नेता जो ठहरे, सिस्टम मैडम, सिस्टम। अब मेरी पांचवी ट्रांसफर के बाद मैं रात भर नाकाबंदी करूं या अपने सीनियर की शादी के सालगिरह के कार्ड बांटता फिरूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है मैडम? चलता हूं मैडम, जय हिंद। हाँ, पार्टी में जरूर आना। आइए आइए। RTS कांग्रेचुलेशन। थैंक यू कांग्रेचुलेशन भाभी। अनुराधा चौहान नमस्कार। DCP प्रसाद और माय वाइफ रूबी प्रसाद, प्लीज जॉइन द पार्टी। या या हाय या ओ हाय हाय पद्मा, आई एम फाइन। हाय शैना, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देते? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मीट अनुराधा चौहान, हाय। शी इज शहनाज टोपीवाला, हर्बल कॉस्मेटिक क्वीन, ऑफ कोर्स यू नो हर। और आप हैं पद्मलक्ष्मी जी, हाय। अ वेरी डायनामिक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, जानवरों के उद्धार के लिए इन्होंने बहुत काम किया। दैट्स गुड, कम ऑन यशवंत। एक्चुअली जानवर भी हम इंसान की तरह ही होते हैं, हमें भी उनसे प्यार करना चाहिए। ऑफ कोर्स। यशवंत भाई, ओ हाय वासवानी जी। यशवंत भाई, यशवंत भाई, the up and coming cabinet minister। मीट अनुराधा चौहान, वासवानी, फिल्म सेक्रेटरी। सर मैं आपको सुपरस्टार से मिलवाता हूँ। अच्छा? आइए आइए, कम कम। आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू, सी ही इज द न्यू सुपरस्टार गुड्डू खान।
सुपरस्टार ओके और गुड्डू जी ये हैं यशवंत वर्दे चार्मिंग एमपी एंड सून टू बी कैबिनेट मिनिस्टर यू नो आजकल गुड्डू जी एक फिल्म का 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं अच्छा? और 3 बहुत बड़े बैनरों की पिक्चर साइन कर चुके हैं कांग्रेचुलेशंस यू नो समथिंग आई मस्ट टेल यू 5 पिक्चरें रिजेक्ट कर चुके हैं अच्छा? लेकिन मैंने इनकी कोई पिक्चर देखी नहीं इससे पहले नहीं वेल दैट्स बॉलीवुड यशवंत जी एक मिनट और लोगों से मिलवाता हूँ हाँ जी नमस्कार ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू आइए आइए गुड्डू जी एक नया प्रपोजल बनाते हैं आइए आइए टेरिफिक ये है प्रहलाद किशन बहुत बड़े एडमेकर हाय हेलो मीट अनुराधा चौहान नमस्ते वाओ व्हाट अ फेस आपने कभी मॉडलिंग किया है जी प्रहलाद जी ये एमएलए हैं तो क्या हुआ रोनाल्ड रीगन भी तो पहले एक्टर ही थे और आजकल एक्टर तो पॉलिटिशियन बन ही जाते हैं एंड इनफैक्ट ग्लैमर एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड बोथ आर शो बिजनेस या वेरी वेल सेड मिस्टर प्रसाद वेरी वेल सेड सी यू सम टाइम यशवंत चले या प्रसाद जी वाओ व्हाट अ ब्यूटी इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है इसे कोई नहीं रोक सकता अरे क्या अजीब गरीब लोग थे व्हाट फनी पीपल अच्छा हुआ तो मुझे अपने घर ले आए वरना वहां हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो जाता और वो प्रदीप किशन ही सच अ फनी कैरेक्टर पागल है वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ आज पहली बार देख रहा हूं तुम्हें इतना हंसते हुए इतना खुश ठीक कहते हो तुम खुशी क्या चीज है शायद भूल ही गई थी आज एक बहुत अरसे के बाद फिर खुश हूं और उसकी वजह तुम हो
नमस्ते नमस्ते मैडम, ये फाइल चौहान साहब ने भिजवाई है और आपको साइन करने को कहा है। कैसी फाइल है ये? इसमें कुछ सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक होटल का फ्लोर बढ़ाने का रिकमेंडेशन है। ठीक है, रख दो यहाँ पर, पढ़कर साइन कर दूंगी। हाँ रखिए, बाद में आइए। देखो, मुझे विश्वास है कि तुम समाज के लिए हमेशा अच्छा काम करोगी, लेकिन लेकिन मेरे हिसाब से राजनीति में अगर आपको एक अच्छा काम करना है तो चार गलत काम करने पड़ते हैं। हो सकता है कि गंदगी को साफ करते करते कुछ गंदी छींटें हमारे दामन पर भी पड़ जाएं, लेकिन इतनी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी, है ना? कर दो साईं। यशवंत, मेरा एक काम करोगे? इंस्पेक्टर उद्धव पवार का ट्रांसफर रुकवा दो। क्यों? विवेक का केस तो उससे ले ही चुके हैं, तो ट्रांसफर की वजह से उसकी बीवी बच्चों को क्यों परेशानी दे? अनु, ये सिर्फ ट्रांसफर का सवाल। यशवंत, अभी अभी मैंने शायद चार गलत काम किए, उसके बदले सोचा एक अच्छा काम कर लो। प्लीज डोंट। ओके। सीएम साहब, हम लोगों ने गठबंधन में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन एक बात बोलूं, हम लोगों को चौकस रहना पड़ेगा हर वक्त। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? कुलकर्णी साहब, आप तो जानते ही हैं कि इन ऑपोजिशन वालों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मेरी पार्टी के सारे लोग हर हाल में आप ही को सपोर्ट करेंगे। क्यों मात्रे साहब? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। नमस्ते। एक बात समझ में नहीं आई यशवंत, अनुराग के लिए तुमने वो इंस्पेक्टर पवार का ट्रांसफर क्यों रुकवा दिया? आप तो जानते हैं बेग साहब, बहुत कम दिनों में अनुराधा की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है। आज की तारीख में 30 से 40 एमएलए हैं उसके पास। खैर, हमारे हाथ मिलाने का वक्त आ गया है यशवंत। मैंने कमाल पाशा और गोविंद मात्रे से बात चलाई है, इन दोनों के सभी एमएलए हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट्स भी राजी हो गए हैं। इन सब के साथ हम आराम से गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट? पहले सबको तोड़ तो लें, उसके बाद वक्त आने पर बैठकर तय कर लेंगे। और महेंद्र चौहान? विवेक के बिना वो वैसे भी कुछ नहीं है, और उसकी बहू अनुराधा, अनु, वो तो वैसे भी तुम्हारी छत्र छाया में है ना? नहीं? भाई हरकत में ही बरकत है। आप मेरी छोड़िए और पूना की सुनाइए। पूना की क्या बताएं? दो हफ्तों से सेटिंग कर रहा था श्रद्धा जी की, साली हाथ ही नहीं आती थी, पर पिछले साल कैसे नासिक में दौड़ कर चली आई थी कमरे में। पिछले साल जब प्रचार के लिए नागपुर गए थे, याद है आरती जी के साथ भी हमारा कुछ ऐसा ही किस्सा था। पर त्यागी जी, तभी तो हम ताक में रहते कि कब प्रचार में जाने का मौका मिले। नहीं नहीं, बैठिए 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 ना। क्या रे त्यागी, क्या बोल रहा था तू? बहुत मजा आता है प्रचार पे जाने का। अरे बिस्तर में कितना बड़ा 30 मार खा है ना तू, ये सब किसे सुन चुकी हूं मैं तेरे। और मिश्रा,
प्रचार पे जाने के मौके ढूंढते हैं आप। आपको पता है जब आप प्रचार पर होते हैं तो यहाँ आपकी औरत किसके साथ सोती है बताओ? आज के बाद तुम में से किसी ने इस पार्टी की कोई भी लड़की के लिए कुछ कहा ना तो ऐसा हश्र करूंगी कि मर्द होने का एहसास भूल जाओगे तुम लोग। चलो श्रद्धा। पवार। नमस्कार मैडम। आपसे जरूरी बात करनी थी मैडम। कहो। मैडम मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आज तक मैंने सभी नेताओं को पुलिस वालों की ट्रांसफर करवाते देखा है, लेकिन किसी भी नेता को पुलिस वालों की ट्रांसफर रुकवाते ना देखा है ना सुना है मैडम। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। धन्यवाद मैडम, मैं आपको धन्यवाद देने आया था। मेरी कभी भी जरूरत हो, कोई भी काम हो, याद कीजिए। जय हिंद। अनुराधा जी। माँ जी। पार्टी ऑफिस से आ रही हूँ। जी। ऑफिस में काफी काम रहा होगा। जी वो कुछ फाइल्स और टेंडर काम कर रही थी या यशवंत के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? घर की इज्जत बाजार में बेच के आई है ये? तभी मैं कहूँ इसके बाप ने इसकी माँ को छोड़ क्यों दिया? ऐसी हरकतें तो तुम लोगों के खून में। माँ जी। कर। एक तो अपना मुंह काला करके आई, ऊपर से जबान लड़ाती है। दिखा दिया तूने अपना असली कैरेक्टर। कितना बड़ा विश्वासघात किया तूने हमारे और विवेक के साथ, जो इतने दिनों से जेल में पड़ा है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। झुक गई उस कुत्ते यशवंत के सामने। ठीक कहा आपने कि मैं किसी के सामने झुकी? उसी इंसान के सामने जब आप लोग के मतलब के लिए झुकी तो ठीक था, अगर मैं अपनी ही खुशी के लिए झुकी हूँ तो आपकी इज्जत पे पड़ता क्या? आज इस घर में कैरेक्टर और विश्वासघात की बातें हो रही है। अरे विश्वासघात तो मेरे साथ हुआ जब मैंने देखा कि शादी के बाद भी विवेक ने अपनी रखेलों को छोड़ा नहीं, चाहे वो घर में हो या जेल में। आज मेरे कैरेक्टर की वजह से आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। माँ जी आप लोगों की दुआ से अब कुछ वक्त मुझे भी राजनीति में हो गया है। जिस दिन मुझे पता चला कि आपके पति यानी कि मेरे ससुर ने 10 साल से पूना में एक रखेल पाल रखी है जिसके वो 3 अबॉर्शंस भी करा चुके हैं, उस दिन से मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। माँ जी लगता है ऐसी हरकतें आपके खून में हैं, मेरे खून में नहीं। ताली उल्टा निकल ना। मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। मैं सरकारी फ्लैट में जा रही हूं। शिरके। जी मैडम। जब तक मैं अपना सामान न ले आऊं यहीं खड़े रहना। जी। इन लोगों का भरोसा नहीं, पता चला किचन में ले जाकर जला दिया और कल खबर ये छपी कि एक्सीडेंट था। अच्छी परिभाषा है आपके पतिव्रता की, मर चाहे लाख गुना करे उसे कोई सजा नहीं, लेकिन औरत अपनी खुशी के लिए एक भी कदम उठाए तो उसे कुलटा और कुलच्छनी कहा जाता है। वाह Thank you.
यशवंत, जिंदगी मानो एक बंद कमरे में बीत रही थी। आज बहुत अरसे के बाद ऐसे लग रहा है कि खुली हवा में सांस ले रही हूं। अनु, मुझे लगता है कि तुमने जो भी किया है ठीक किया है। मैं हमेशा मानता आया हूं कि इंसान को किसी के सहारे के बजाय खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मैं और बेग मिलकर एक साझा सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? जो भी आएगा नजराना लाएगा।
नाम साजिश। चलो सब कुछ लगभग तय हो चुका है, कुछ ही दिनों में हम गवर्नर साहब के पास सरकार बनाने का प्रस्ताव ले जाएंगे। अनु अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी पोस्ट चाहिए? यशवंत सरकार बनाने के लिए कल फार्म हाउस पे वो सब करना जरूरी था क्या? अनु करना पड़ता है, लोगों को खुश रखना पड़ता है। We have to entertain them. Entertain? कल वहां पर 18 और 19 साल की लड़कियां थी, देखा जाए तो एक तरीके से हम वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। It was sheer prostitution. देखो अनुराधा, हमने इन्हें रोका लेकिन ये माने नहीं सर। हाँ ठीक है तुम लोग जाओ। जी सो चुके हो या मेरे जाने के बाद सो गए? विवेक सारे हरामखोर धोखेबाज, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा और तू साली उल्टा बचलन। विवेक छोड़ो उसे। मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। तुमने मुझसे मेरी औकात पूछी थी ना, आज मैं तुम्हें अपनी औकात बताती हूँ। आई एम अ सिटिंग MLA। पुलिस स्टेशन में मेरे एक फोन कॉल करने पर तुम्हारी बेल कैंसिल हो सकती है। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। देख लूंगा तुम दोनों को। यरवने साहब ये तलाक मुझे जल्द से जल्द चाहिए। Make it fast. I will try my level best. चौहान साहब पार्टी ऑफिस से फोन है। हाँ बोलो देसाई। पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग एक घंटे में, ऐसा क्या हो गया? ठीक है मैं पहुंचता हूँ। क्या हो बाबा? पता नहीं पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग है एक घंटे में। मैं भी चलता हूं। जान सकता हूं इतने शॉर्ट नोटिस पे पार्टी की ये मीटिंग क्यों बुलाई गई? बात यह है कि हमारी पार्टी ने और पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का फैसला किया है। और अजी छोड़िए आप क्या बताएंगे, मैं खुलकर बताता हूं। पाशा गायकवाड़ और फाल्के की पार्टियां हमारे साथ आ गई हैं। इसके अलावा तकरीबन 21 देशमुख, हाँ तकरीबन 21 इंडिपेंडेंट्स हमारे साथ आने के लिए राजी हो गए हैं। उनके सपोर्ट्स के लेटर्स पहुंच चुके हैं। अनुराधा और उसका ग्रुप भी हमारे साथ है। अब हम सब मिलकर भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और अब आप बताइए, आप और आपके लोग हमारे साथ हैं या नहीं? वो सब तो ठीक है लेकिन मैं जान सकता हूं चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? हाई कमान की मंशा यही है कि सीएम यशवंत या बेग सामिस को एक बनेगा। अन्ना साहब इन लोगों के तलवे चाटने से तो बेहतर है कि मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा या फिर अपने सपोर्टर्स को लेकर के अपोजिशन में बैठूंगा। बेहतर है, सरकार तो हम फिर भी आसानी से बना लेंगे। क्यों यशवंत? तो यशवंत ये सिला दिया तुमने मेरे एहसानों का। माफ कीजिए चौहान साहब,
लेकिन आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, मैं आपकी जरूरत था। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेवर इन पॉलिटिक्स। तू जाके गाड़ी में बैठ। तो दिखा दी तूने अपनी असलियत। मिस्टर चौहान, आपका बेटा तो मुझसे तलाक मांग चुका है। अब मैं आपकी बहू नहीं रही। मैंने तो अपनी असलियत पहचान ली है। अब आप अपनी औकात पहचाने। आप खत्म हो चुके हैं। द चौहान्स आर फिनिश्ड। क्या सोच रहा है तू? सोच रहा हूं उन दोनों की कमर कैसे तोड़ी जाए। प्रिया चरित्रम दैवम न जानम। बाबा, बहुत पहले मेरे को किसी ने एक बात कहा था, अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए तो वो खड़ा नहीं हो सकता। मतलब क्या है तेरा? मतलब यह है कि अनुराधा जी की रीढ़ की हड्डी है यशवंत, अगर वो टूट जाए तो अनुराधा जी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ए बाबा, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। काम समझा दिया इनको? घबराने का नहीं, इस धंधे में सब पुराने चावल हैं। विवेक भाई, हम सब आपके साथ हैं। चिंता मत कीजिए, कल सुबह अखबार की सुर्खियां वही बोलेंगी जो आप चाहते हैं। यशवंत, जब इंसान का वक्त बुरा चल रहा हो ना, तो उसे कोई नया फैसला नहीं करना चाहिए। इसलिए फिलहाल तुम सीएम बनने के ख्वाब देखना बंद कर दो। मतलब? तुम्हारे और अनुराधा के कारनामों के चर्चे हर गली कूचे में फैले हुए हैं। तुम्हें इस बात का एहसास है कि इससे पार्टी की इमेज को कितना नुकसान पहुंचा है, है? और वो भी उस समय जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तुम्हारी जगह अगर मेरे जैसा कोई और होता तो अब तक विवेक का कुछ इंतजाम कर चुका होता, लेकिन जब रखेल मना करे तो कोई क्या कर सकता है? विवेक! नहीं 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 नहीं, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मर्द पर जब औरत का साया पड़ जाता है ना, तो उसकी सोचने की शक्ति चली जाती है। इसलिए घर जाकर आराम से ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी बात पर गौर करो, रास्ता तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। हेलो। क्यों भाई कुत्ते, बैठा है रांड के साथ? बहुत मजाक कर लिया तुम दोनों ने। आज का पेपर पढ़ा है? मजा आया? अब जनता को क्या जवाब देगा रे तू? ब्लडी इमेज कॉन्शियस बास्टर्ड। अब तो शुरुआत है कुत्ते,
आगे आगे देख होता है क्या। कौन है बे? क्या है? देखो हर एक नाके पे वायरलेस है सर, समझ में आया सर? डेड बॉडी एनएम जोशी मार्क पर से निकलेगी। यस सर। बंदोबस्त कड़क चाहिए। इनको साइकिल आ गई। मुरादा जी आप यहाँ क्यों, क्या हुआ? मैडम आप जानती नहीं है, चौहान के अंडरवर्ल्ड के साथ काफी अच्छे कनेक्शन है। किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली और विवेक बीच में आ गया। ए साटम सगळ्यांना पाटी गए। मैडम मेरी रिक्वेस्ट है, आप यहां से चली जाइए, प्लीज चली जाइए। चौहान के पार्टी वर्कर्स काफी गुस्से में है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप यहां से चली जाइए। अरे पार्टी के ना सगळ्यांना अनुराधा सागर, अनुराधा सागर। को दिल्ली इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि हाई कमांड आपके आपसी मतभेदों से बहुत नाराज है। देखो यशवंत, माना कि तुमने इतने साल पार्टी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, पर आज तुम्हारी खराब इमेज की वजह से पार्टी को बहुत धक्का पहुंचा है। ऐसे में सीएम की पोस्ट तुम्हें किस बिना पर दी जाए? शहर के बच्चे बच्चे की जुबान पर इसके और अनुराधा के कारनामों के चर्चे हैं। बेग साहब, पिछले 20 सालों के आपके काले करतूत अगर लोगों के सामने आ जाएं तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। यशवंत देखिए आप, जेंटलमैन प्लीज प्लीज शांत रहिए। आप लोग यहां एक मुद्दे पर बात करने आए हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के लिए नहीं। ये सीएम के पोस्ट के बारे में पार्टी हाईकमान को सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, फिलहाल आप जा सकते हैं। शुक्रिया। सोच रहे हैं दीक्षित साहब? सोच रहा हूं कि यशवंत और बेग के अलावा उस स्टेट में हमारे कोई तीसरा पहलू है नहीं, भविष्य के लिए कौन हो सकता है? एक शख्स है मेरी नजर में। अनुराधा जी, माना कि उनका तजुर्बा ज्यादा नहीं है लेकिन एक सवा साल से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। और रही इल्जाम की बात, वो तो हम जैसे पॉलिटिशियंस पर छोटे मोटे इल्जाम लगते ही रहते हैं। शायद तुम ठीक कहते हो, हमें अनुराधा के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए।
अरे अनुराधा बेटी, कैसी हो? बस ठीक हूँ। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? वो क्या है कि अन्ना साहब, हालांकि कुछ वक्त अब राजनीति में मुझे भी हो गया है, मैं आपसे सत्ता का मतलब पूछना चाहती हूँ। तो बेटे, बेग और यशवंत के पास जाना चाहिए था। उनके जैसे कितने लोग मेरे पास में आए, सीख कर गए, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना शायद उनको मुश्किल लगा। व्यापारी और अपराधियों से हाथ मिलाकर, कानून को अपनी कठपुतली बनाकर कैसे साम्राज्य स्थापित करते हैं, ये वो बताएंगे तुम्हें। उनके लिए सत्ता का यही मतलब है बेटे, मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा। फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सत्ता का मतलब आपकी नजरों में क्या है? सत्ता का मतलब होता है एक मौका बेटी, मौका परिवर्तन लाने का, समाज में बदलाव लाने का, जनता का उद्धार करने का, गरीबों की सेवा करने का। लेकिन ये सब काम के लिए काफी हिम्मत और धीरज की जरूरत होती है, और हमारे नेता, उन्हें अपनी जेब भरने से, एक दूसरे की जड़ें काटने से फुर्सत मिले तो ना। अन्ना साहब, आप इतने सालों से इस माहौल को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? एक उम्मीद बेटे, कोई तो ऐसा आएगा जिसमें हिम्मत हो कि ये परिवर्तन ला सके, इस सिस्टम को बदल डाले, वो उम्मीद बेटा। अच्छा, मैं चलती हूँ अन्ना साहब। नमस्ते। अरे यशवंत, इतनी रात गए, क्या बात है? कुछ नहीं, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। बोलो। बेग अपने औकात पर आ गया है, पर मैंने कुछ ऐसा किया है कि उसे इस शहर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब अगर तुम और तुम्हारे एमएलएज मेरे साथ आते हो तो मुझे सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात बताओ यशवंत, हमारी पार्टी में तुम्हारे अलावा कोई और भी तो हो सकता है सीएम बनने के लायक? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? अन्ना साहब। अन्ना साहब, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जिंदगी भर शराफत का बोझ ढोते रहे, फिर भी कुछ नहीं हो पाया उनका। सीएम बनने के लिए सिर्फ शरीफ होना काफी नहीं है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? यशवंत, मैं सोचती थी तुम औरों से अलग हो, तुम्हारे भी कुछ उसूल, कुछ आदर्श है, पर अफसोस तुम भी उन नेताओं में से निकले जो सत्ता की लालच में जरूरत पड़ने पर अपनी बहू तो क्या, अपनी मां को भी बेच सकते हैं। Shut your mouth! तुम्हें क्या मालूम मैंने कितने सालों से इस मौके का इंतजार किया है? अगर आपको लोगों के लिए कुछ काम करना है तो सत्ता पूरी तरह से आपके हाथ में होना जरूरी होता है, और ये वो मौका है अनुराधा। लेकिन तुम औरतों का कौन समझा है, बात बात पर जज्बाती हो जाती हो। किसी ने ठीक ही कहा है, औरतें दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं। और मैं ये कहती हूं कि तुम मर्दों की सोच घुटनों और दिल के बीच में खत्म हो जाती है। अनुराधा,
ये मत भूलो अनुराधा, आज तुम जहां हो मेरी वजह से हो। ये सत्ता, ये कुर्सी, ये लाल बत्ती वाली गाड़ी, ये सब मेरी वजह से है। मुझे कल सुबह तक तुम्हारा जवाब चाहिए, वरना अगर मैं चाहूं तो कल शाम तक स्टेट में 10 अनुराधा और खड़ी कर सकता हूं। कल सुबह तक। गुड मॉर्निंग मैडम। पवार। सॉरी मैडम, सुबह सुबह आपको जरा तकलीफ देने आया। बैठो। क्या बात है? क्या बताऊं मैडम, राजनीति में अच्छाई ढूंढना ये तो रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है मैडम। तुम कहना क्या चाहते हो पवार? मैडम, अपने देश की राजनीति में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन से पहले जनता से वादे तो बहुत करते हैं, एक बार सत्ता में आने के बाद अपनी तिजोरियां भरने के अलावा उनको कुछ नहीं सोचता मैडम। अपने रास्ते का कांटा हटाना उनके बाएं हाथ का खेल है मैडम। इन सभी बुराइयों का प्रतीक है आपके राजनीतिक गुरु यशवंत वर्दे जी। मैडम, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो पवार। मैडम, मेरे डिपार्टमेंट के सूत्रों ने मुझे बताया आपके पति विवेक चौहान का मर्डर यशवंत वर्दे ने करवाया था। मैं इतना ही कहने आया था मैडम, चलता हूं। मैडम, जानती हैं आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? आपने यशवंत वर्दे पे भरोसा किया। जय हिंद। हाँ बोलिए रेगे साहब। नहीं स्वामी जी तो पहुंच चुके हैं, बातचीत चल रही है जी। मैं कल पहुंचूंगा नागपुर जी। हाँ नहीं, तब तक आप बाकी अमेरिक से बात कर लीजिए जी। थैंक यू। थैंक्स। तुम ठीक ही कहते हो यशवंत, मैं बेकार ही जज्बाती हो जाती हूँ, बार बार फालतू के सवाल पूछती रहती हूँ। मैं भूल गई थी कि मेरे सामने इतना लंबा पॉलिटिकल करियर भी है। आखिर स्टेटस, बंगला, ये लाल बत्ती वाली गाड़ी, ये सब तुम्ही ने तो दिलवाया है मुझे। I'm extremely sorry, यशवंत। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं, अगर तुम चाहो तो। Come on, अनु। हो जाता है कभी कभी गुस्से में, आखिर हम एक दूसरे के दोस्त हैं, है ना? और राजनीति का दूसरा नाम समझौता ही तो है। चलो मैं तुम्हें स्वामी जी से मिलवाता हूं। कम आइए अनुराधा जी, आइए। बाकी सारे लोगों को तो आप जानती ही हैं, इनसे मिलिए। ये स्वामी जी हैं, अनुराधा सहगल। इस पूरी डील में इनका बहुत बड़ा हाथ है। प्लीज। तो
सारी बातें तय रहीं। स्वामी जी के आदेश के अनुसार लतेश शाह और शेट्टी साहब कमाल पाशा और गोविंद माता जी को 25-25 करोड़ रुपए देंगे अपने अपने एमएलएस खरीदने के लिए। ठीक ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम जी। 4-5 दिनों के बाद पार्टी हाईकमांड के सामने मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए आप सब लोग मेरा नाम प्रस्तावित करोगे। फिर तो किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना ये बात हम तय कर ही चुके हैं। जी बिल्कुल। वैसे बेग सीएम की कुर्सी के लायक तो कभी था ही नहीं, तभी तो उसके सारे एमएलएस को लेकर आपके पास आ गया हूं। जैसे कि हमारी आपकी बात हो चुकी है कि डिप्टी सीएम की पोस्ट मैं ही लूंगा। हाँ खबर पक्की है ना? चल रखता हूं फोन। क्यों, मेरी बात पर विश्वास नहीं था आपको क्या? तुमने ये सब मुझे क्यों बताया? बेग साहब, राजनीति में मैं नई हूं। मैंने यशवंत का साथ यह सोचकर दिया था कि एक दिन आप जैसा कोई तजुर्बे का आदमी सीएम बनेगा। लेकिन मुझे यशवंत की असलियत का क्या पता था? पलभर में जो चौहान से 20 साल के रिश्ते को तोड़ सकता है, वो आसानी से आपकी पीठ में भी छुरा भोंक सकता है। यहां तक कि विवेक का कत्ल भी उसी ने करवाया था। लोगों का विश्वास तोड़ना शायद उसकी आदत है। इस सब के बाद कम से कम मैं तो उसे सीएम की कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती। आपका पता नहीं। चलती हूं, जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। सुल्तान, यशवंत रात को नागपुर से लौट रहा है, मुंबई नहीं पहुंचना चाहिए। रास्ते में ही समझ गए ना, किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छी हो गई मीटिंग। नहीं, सारे लोग आए थे, जलगांव, नासिक, बारामती, सोलापुर, सारे एमएलए आ गए थे। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। या बाय।
बेग और उनके आदमी इतनी आसानी से मान जाएंगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट? इसके लिए आप मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अन्ना साहब, उन लोगों ने जो हमारे साथ किया है, हम भी उनके साथ वही कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। लतेश भाई। हाँ जी मैडम। इन लोगों को सब समझा दिया ना? हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इन लोगों का तो रोज का काम है, मैंने उनको बराबर समझा दिया है। इन सब का मतलब क्या है? क्यों रे यादव, ये सब तो तेरे लिए नया नहीं होगा। तूने और बेग ने मिलकर न जाने कितने एमएलए को डराया और धमकाया होगा, और अब तेरी बारी आई तो फट गई। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आज की तारीख में तेरे कारनामों का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। अगर कल सुबह तक तेरे एमएलए का सपोर्ट मेरे पास नहीं आया तो डिप्यूटी सीएम तो क्या, अपनी गांव के पंचायत के इलेक्शंस में भी खड़े होने के लायक नहीं रहोगे तुम। चलो ड्राइवर। भाई तुमको कैबिनेट के अंदर इतना अच्छा पोजीशन दे रही है, हैं? बाकी की चिंता क्यों करते हो? सब बंदोबस्त हो जाएगा, लतेश साहब पर भरोसा करो, मैं हूं ना। ज्यादा वक्त नहीं है, कल सुबह तक आप लोगों का सपोर्ट आ जाना चाहिए। स्वागत है बेग साहब, आइए आइए बेग साहब। अनुराधा जी आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ, आज तो इंतजार करेंगे ही। आइए बेग साहब। अनुराधा जी बैठिए। हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। ये देखिए अनुराधा जी, सारे एमएलए के सपोर्ट के लेटर्स हैं। अब हम गवर्नर साहब के सामने जाकर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हमारी इस कामयाबी में आपका बहुत बड़ा हाथ है अनुराधा जी। बोलिए, इसके बदले में आप कौन सा पोर्टफोलियो पसंद करेंगी? बोलिए बोलिए, अब सत्ता पूरी तरह से हमारे हाथ में है। वो सब तो ठीक है बेग साहब, पहले जरा इस पर तो नजर डाल दीजिए। लीजिए। क्या है? ओह, मैं तो भूली गई, आपको तो शायद पढ़ना भी नहीं आता। अच्छा, पवार जरा बेग साहब को पढ़कर बता दो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है सुल्तान और उसके आदमी पकड़े गए हैं और उन्होंने कबूल किया है कि यशवंत का मर्डर बेग साहब ने करवाया था। जिसे इन्होंने एक्सीडेंट का रूप दिया था। और हां बेग साहब, इसकी खबर पार्टी हाई कमांड को भी है, और अगर आप जेल की हवा नहीं खाना चाहते तो बेहतर होगा कि आप बाहर जाकर अनाउंस करें कि आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। और हमारी सरकार के चीफ मिनिस्टर अन्ना साहिब जोशी होंगे।
हरामजादी कुतिया, धोखेबाज औरत, तेरे भड़काने पर मैंने यशवंत को मरवाया और अब तू मेरी पीठ में छुरा भोंक रही है। इस दो कौड़ी के इंस्पेक्टर के साथ मिलकर मेरे साथ गेम खेल रही है बाजारू औरत। मैं नहीं बाजारू तुम लोग हो जिन्होंने आज तक सत्ता का बाजार लगाकर व्यापारियों और गुंडों के लिए दलाली की। जाओ बाहर जाकर अनाउंसमेंट करो, कहीं ऐसा ना हो कि जेल की सजा काटने के बाद पहले की तरह सड़क पर कबाब का स्टॉल लगाते फिरो। साली कुतिया, मुझ पर हाथ उठाने की देरी हिम्मत कैसे हो? मुंह से आवाज भी निकली ना, सीधा जनाजा निकलेगा यहां से तेरा। और रही बात तुम्हारे एमएलए की, बलराम तुम लोग क्या करे बेग साहब, ये राजनीति है और ये सब आप ही से तो सीखा है। आइए आइए आइए, बाहर चलकर अनाउंसमेंट करते हैं। आइए प्लीज आइए ना, जाइए। आइए सिचुएशन में थोड़ा परिवर्तन है, मेरी तबीयत अचानक कुछ खराब सी हो गई है, ब्रेथलेसनेस और ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हमारी सरकार के सीएम अन्ना साहब होंगे। वो एक नेक और ईमानदार इंसान है, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। जय हिंद। पवार, राजनीति के कुछ नियम इन्हीं लोगों ने सिखाए थे मुझे। सांप का जहर निकालने के लिए उसकी गर्दन पकड़नी पड़ती है। खैर, इससे पहले कि बेग घर पहुंचे उसे गिरफ्तार कर लो। अरेस्ट हिम। मेरे डिपार्टमेंट वाले लोग अक्सर कहा करते थे मैडम, बुराई पर सच्चाई की जीत खाली किताबी बातें, वो गलत कहा करते थे। जय हिंद मैडम। अनुराधा जी, आपकी पार्टी के सत्ता में आने के बावजूद आपने कोई पद स्वीकार नहीं किया, जबकि आप चाहती तो चीफ मिनिस्टर बन सकती थी। राजनीति में होने का ये मतलब तो नहीं कि आपके पास कोई पद या पोजीशन हो। और हाँ, घर बैठे बैठे ये कहना बहुत आसान है कि आपके आसपास कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन अगर इस देश के आम आदमी ने राजनीति में पूरी तरह से योगदान देना शुरू नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश की सत्ता गुंडे और मवालियों के हाथ में होगी। मैडम एक मिनट, बस एक आखिरी सवाल, इतने कम समय में इतनी बड़ी तरक्की का श्रेय आप किसे देती हैं? किसी को भी नहीं। राजनीति मेरे लिए जिंदगी के सफर की तरह है जिसे मैंने अकेले ही तय किया है और आगे भी अकेले ही तय करती रहूंगी। थैंक यू मैडम। राणा जी, राणा जी।